जिस दे विच सरदार हरविंदर सिंह केपी जी, सीनियर मीत प्रधान सरदार जसमेन सिंह नोनी जी, जॉइंट सकत्तर ते नाल साडे मैंबर साहब आ, अज जथेदार श्री अकाल तख्त साहब उन्हां नूं अज असी एक दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक पत्र दिता है। इस तों पहलां कि मैं इस बारे गल करां, मैं अमर शहीद भाई सतवंत सिंह जी, भाई केर सिंह जी, भाई बेअंत सिंह जी, उन्हां दी अज बरसी दे मौके उन्हां नूं दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रणाम करते हैं और गुरु महाराज के चरणों च अरदास करते हैं कि उन्हां दे दसे हुए मार्ग ते सानू चलन का बल बख्शन, ते कौम ते पंथ की चढ़ती कला होए। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज माता प्यार कौर जी दे ना उन्हां नूं सन्मानित किया जाएगा। पिंड अगवान दे विच साढ़े धर्म प्रचार के चेयरमैन पंजाब विंग दे सरदार मनजीत सिंह भोमा जी, वो भी जाणगे नाल इन्हां दे, उत्थे जाके उन्हां नूं माता जी नूं सन्मान करनगे। माता सदा कौर अवार्ड दे नाल सन्मानित किया जा रहा जी उन्हां नूं। अज असी जिहड़ा जथेदार साहब नूं मंग पत्र दिता है उस विच दिल्ली दे विच सरदार परमजीत सिंह सरना ते सरदार हरविंदर सिंह सरना वालों जो पंथ विरोधी काम किए जा रहे हैं उस दे बारे जथेदार साहब नूं जानकारी दित्ती है। विशेष तौर दे उत्ते जो सरना भरावां नूं प्रमोट करन लई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां गोलकां दा मूंह दिल्ली वाले खोलिया गया है, उस बारे जानकारी दित्ती है जथेदार साहब नूं। सरना भरावां वल्लों जो दिल्ली दे विच ते होर स्टेटां दे विच यूपी, हरियाणा, पंजाब, जो उन्हां दे परिवार वल्लों शराब दे नशे दे कारोबार किए जा रहे हैं, जिस विच उन्हां दे परिवार नूं ईडी ते सीबीआई वल्लों नोटिस भेजे गए, बुलाया गया, पुछगिछ की गई, कोर्ट दे विच केस उन्हां दे खिलाफ़ शुरू होए आ, उस दी जानकारी दित्ती है। और ये बहुत ही मंदभागी गल है कि जिहड़े जिन्हां दे परिवार शराब के नशियां दे विच कारोबार दे विच पए होण और उन्हां नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी गोलक दी दुरवरतों करके उन्हां नूं प्रमोट किया जा रहा होए, उन्हां दे उत्ते खर्च किया जा रहा होए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी गोलक दा पैसा, इस दे बारे भी असी जथेदार साहब नूं जानकारी दित्ती है। सरना भरा जिहड़े कि शुरू तो ही पंथ विरोधी कार्यां दे विच इनवॉल्व रहे हैं, जे असी 1984 की गल करिए ते उन्होंने चाहे वह सज्जन कुमार होवे, जगदीश टाइटलर होवे, चाहे कमलनाथ होवे, उन्होंने बचाउण दी उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की हमेशा ही। अज भी उन्होंने खिलाफ दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सज्जन कुमार के खिलाफ केस की पैरवाई की जा रही है, जो कि बिल्कुल फाइनल स्टेज के उत्ते है। जगदीश टाइटलर की जो दोबारा री इन्वेस्टिगेशन हुई है, सीबीआई क्लोजर फाइल सी जी, वो केस चल रहा। कमलनाथ का हाई कोर्ट के असी दोबारा पटीशन पा के केस शुरू किया। एक पासे दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी 1984 के कातलों 1984 के दोषियों सज़ा दवाउण लई रात दिन एक कर रही है, और दूसरे पासे सरना भरावां ने जिवें पहले कोशिश की आ, अज भी वो उन्हां दे संपर्क दे विच, सूत्रां तों पता लगता है कि अज भी उन्हां दे संपर्क दे विच आ, और किते ना किते उन्हां नूं शेल्टर देण दी जिहड़ी आ वो कोशिश की जा रही है। हमेशा ही
सिख विरोधी कामों के इनवॉल्व रहे आ। हाल ही दे विच दिल्ली दे विच MCD दी इलैक्शन होई, जिस विच एक बीबी परमजीत कौर जो कि 1984 दे पीड़ित परिवार तो है, उस नूं टिकट मिली। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उस बीबी दी पूरी सपोर्ट दे विच आके एक कोशिश की कि उस नूं जिताया जाए ताकि 1984 दे पीड़ितों की मदद हो सके, क्योंकि उस कलोनी तो जिहड़ी विधवा कलोनी तिलक विहार दी आ उस कलोनी तो बिलोंग करती सी। लेकिन सरना भरावां ने रज के उसका विरोध किया, सोशल मीडिया के उत्ते उसका विरोध किया और ये कोशिश की कि उसनू हराया जाए और उसनू उस इलैक्शन दे विच उन्होंने हराया। एक विशेष चैनल दे माध्यम दे नाल सरना भरावां नू प्रमोट किया जा रहा है। जथेदार अकाल तख्त साहब वालों भी इस गल दी हुक्म होया सी कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना चैनल चलाए, अपना चैनल शुरू करे। लेकिन अज भी गुरबाणी का प्रचार ते प्रसार जिहड़ा वो PTC चैनल दे उत्ते हो रहा, एक परिवार नू फायदा पहुँचाया जा रहा और उस चैनल दे माध्यम दे नाल दिल्ली दे विच जिहड़े शराब दे नशियां दे विच जिन्हां दे परिवार इनवॉल्व है, जो कि थोड़ा समा पहले श्रोमणी अकाली दल दे दिल्ली दे प्रधान बने आ, उन्हां नू उस चैनल दे माध्यम दे नाल प्रमोट किया जा रहा है। और सूत्रां तो यह भी जो पता चलिया, जो मार्केट दे विच गल चल रही है कि PTC चैनल वालों करोड़ा रुपया जिहड़ा है वह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नू देना बकाया है। इस गल दी जथेदार साहब ने भी जो PTC चैनल दा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल की इकरारनामा होया उस नू जग जाहिर करन दी गल कीती सी, लेकिन अज तक वो इकरारनामा नहीं दस्या गया, संगत नू नहीं दस्या गया कि उस इकरारनामे दे तहत की इन्हां दे विच आपस दे विच गलबात सी, की लैणा देणा सी। लेकिन यह जो सूत्रों तो पता लग रहा है कि करोड़ों रुपया PTC चैनल ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नू अज भी जिहड़ा बकाया देना है। जो पंथ विरोधी है, जिन्होंने पंथ विरोधी काम किए हैं, जिन्होंने कौम का घाण किया है, जिन्होंने 1984 के कातलों बचाने की कोशिश की है, जेडे अज असी अपने नौजवान पीढ़ी को नशियां तो बचाने की गल कर रहे हैं, अज असी अपने नौजवान बच्चों जो कितने ना कितने भटके आ उन्हें सीधे रस्ते पाने की गल कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पासे जो दिल्ली इकाई के प्रधान बने आ उन्हों का परिवार नशियां दे विच इनवॉल्व है। इस गल की प्रोड़ता ED और CBI के जो नोटिस है, इनवैसटीगेशन हो गई है, केस शुरू हो गए, ये पक्की मोहर उस दे उत्ते लग गई आ कि उन्हों के परिवार नशियां दे विच इनवॉल्व है। सो अज सानू जो असी इस पत्र जथेदार साहब नूं दिता है उस दे विच असी जथेदार साहब नूं बेनती की है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कि जिथे सरना भरावां दीआं पंथ विरोधी कौम विरोधी और इन्हां दे परिवारां दी नशे दे विच इनवॉल्वमेंट होण दे बावजूद उन्हां दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जथेदार साहब नूं असी बेनती की आ कि उन्हां नूं अकाल तख्त साहब दे उत्ते तलब किया जाए। और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्हां ने कि जथेदार साहब ने जो हुक्म किया सी कि वो इकरारनामा भी जग जाहिर करन और अपना चैनल जिहड़ा शुरू करन, उसका भी जथेदार साहब के हुक्म की जिहड़ी आ उलंघना है। सो असी बेनती की है कि इन्हां नूं अकाल तख्त साहब के उत्ते तलब किया जाए और जो बनती कार्रवाई है वो इन्हां दे खिलाफ की जाए। ये अज असी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जथेदार साहब नूं बेनती की है। देखो ये सरना भरावां दे परिवार दे विच्चों उन्हां दी
श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब दे विच धरने प्रदर्शन किए जो सरना भरावां दे परिवार दीआं फैक्ट्रियां सी उन्हां दे खिलाफ। ये जग जाहिर है कि सरना भरावां दे किहड़े मैंबर जिहड़े आ उह नशे दे कारोबार च आ, उन्हां नूं नोटिस ईडी अखबारां दे विच सब दे नाम आ चुके आ। परमजीत सिंह सरना जां रविंदर सिंह सरना नूं ईडी ने कदी तलब मामले दे विच देखो असी परिवार की गल कर रहे हैं। जे किसी परिवार के जे जो आप परिवार की गल करते हैं हाँ जी परिवार की गल करते हैं जी जी परमजीत परिवार की गल कर रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने जो उन्होंने बेटी है उसनु तलब किया गया CBI वालों ED वालों और उन्होंने खिलाफ नोटिस भी इशू हुए हैं, उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, उन्हां दे खिलाफ केस भी होया। जदों रिश्तेदारी परिवार है तो परिवार के नाल बिल्कुल दोषी नहीं। अगले घर नहीं चलेगी जी, परिवार तो उन्हां दा ही है ना, अगले घर किवें चलेगी, परिवार तो उन्हां दा उस परिवार के विचों ही है ना। उसे बिल्कुल शेल्टर देंगे, शेल्टर देने दे करके ही उन्होंने श्रोमणी अकाली दल ज्वाइन किया। पिछले 20-22 सालों तो लगातार वो पानी पी पी के कोसते सी, उन्होंने श्रोमणी अकाली दल नू सरदार सुखबीर सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछले 20 सालों तो सरना भरा जिहड़े कोसते आए सी, अज ऐसा कि उन्होंने प्यार जाग पिया कि वह उस पार्टी के शामिल हो गए। इहदा कारण यही सी कि उन्होंने पंथक कवच चाहिए सी, उन्होंने शेल्टर चाहिए सी ईडी CBI तो बचन लई, जिदे करके मैं समझदा कि उन्होंने ये जड़ा कदम पुटिया। नहीं साढ़े वालों जदों सरसा साहब श्रोमणी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सी, सारी टीम एक सी, उस तो बाद उन्होंने जदों मैंबर नहीं बने वो अपना उन्हें दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, ठीक है वो सरकार के नुमाइंदे आ, लेकिन असी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना प्रबंध चला रही है, इंडिपेंडेंट प्रबंध चला रही है, कोई ऐसा कोई श्रोमणी कमेटी ने गोलक का दोष लाया कि सरने भरावां दे उत्ते खर्च किया जा रहा है, इहदे की सबूत ने कि किन्ना का खर्च कर चुके ने, करोड़ां रुपए कह रहे हैं। इहदा सबूत है कि हुणे रीसेंटली जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिहड़ी सरना साहब ने कीती है, जिहदे च श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहब उन्हां दे नाल बैठे आ, उहदे विच उन्हां ने 5-5 करोड़ रुपया जिहड़ा वो चाहे दिल्ली नूं देण वास्ते गल कीती आ। जिहड़े कार्ज दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली दे विच ऑलरेडी कर रही है, उत्थे फ्री MRI कर रही है, फ्री डायलिसिस कर रही है, CT स्कैन कर रही है, यात्रावां जिहड़ियां संगत दीआं दिल्ली दीआं उहनां नूं मुहैया कराई जा रही बसां दिल्ली कमेटी वल्लों, तो मैं समझदा उसे काम नूं रिपीट करना ये सरना भरावां नूं प्रमोट करन वाली गल सी, ना कि संगत की, क्योंकि संगत को तो सुविधा मिल रही थी। जे श्रोमणी कमेटी करना चाहती सी तो पंजाब दे विच MRI फ्री की जा सकती सी, CT स्कैन किए जा सकते हैं, मैडिकल सुविधा फ्री दी जा सकती है पंजाब दे विच, दिल्ली दे विच जाके देन दी की लोड़ पै गई। कालो साहब तुसी जवाब देणगे ना जी, ये तो जथेदार साहब नूं असीं यही तो यही इहो बेनती असीं यही बेनती असीं जथेदार साहब नूं कीती आ कि इसदा पुछया जाए कि जे पंजाब दे विच लोड़ है, पंजाब दे विच टीचर धरना दे रहे जिदा तुसी दस्या जां इत्थे दा स्टाफ धरना दे रहा, तो फिर दिल्ली दे विच जाके 5 करोड़ रुपया अनाउंस करन दी की लोड़ पै गई। श्रोमणी अकाली दल ने कहा सी कि बंदी सिखां दी रिहाई दे, ये तो हुण सरना साहब दसणगे कि उन्होंने केड़ी पार्टी दा विरोध किया, लेकिन सवाल इत्थे 1984 दे पीड़ित परिवार की गल आ रही थी, पार्टी की गल नहीं आ रही थी। जदों 1984 का पीड़ित परिवार जां साडा कोई शहीद परिवार कित्थे भी खड़ा, सानू उन्हां दी मदद जिहड़ी आ करनी चाहीदी सी, लेकिन सरना भरावां ने उसका विरोध किया। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ सबूत की हो सकता जी के उन्हां दी बेटी है जिसनू CBI
ईडी ने नोटिस दे के बुला के कई कई घंटे तक पुछगिछ की आ और हुण कोर्ट दे विच केस आ। इस तो वड्डा सबूत होर की चाहिए? नशे दे विच जो उन्हां दा कारोबार सी, जो दिल्ली दे विच जो पॉलिसी जो बनाई गई उस दे विच उन्हां दी इनवॉल्वमेंट सी, उन्हां दी कंपनियां दी इनवॉल्वमेंट सी, जिहदे करके उन्हां नूं तलब किया गया। देखो जी, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा ही श्री अकाल तख्त साहब नूं सिर मौर मानती है और जो हुक्म है हमेशा ही दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिर मत्थे दे उत्ते मन्निया गया है। और इस तरह का कोई भी हुक्म नहीं सी कि ये दिन नहीं मनाउणा, इस तरह का कोई नहीं सी। जे कोई है तो तुसीं दिखा दिओ, एहो जी कोई गल नहीं सी। वड्डे पद्धर दे उत्ते दिन मनाउणा भी नहीं चाहीदा कि आपां भी दिन मनाईए, आपणे ढंग नाल मना लैंदे, आपणे नां हेठ मना लैंदे, पर श्रोमणी कमेटी ने क्यों नहीं मनाया जी? इह मैं समझदा कि श्रोमणी कमेटी नूं जवाब देना चाहीदा, पर जिस तरह ये वड्डे पद्धर दे उत्ते मनाया गया पूरे संसार भर दे विच, वर्ल्ड दे विच साहबजादियां दे जो इतिहास सी उसकी जानकारी मिली, चाहे वह केरला सी, करनाटका सी, चाहे त्रिपुरा सी, मणिपुर सी, पूरे दिल्ली के हर सूबे दे विच, हर स्कूलों के एयरपोर्टा ते मैट्रो दे विच बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते प्रचार और प्रसार होया। सो मैं समझदा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी मनाउणा चाहीदा। तुसीं कह रहे हो कि शराब दे केस दे इह जी हुण अगे दोषी साबित ना होण, उहनां चिर ते कुछ नहीं हो सकदा ना जी? तलब ते हर कुछ किसे नूं कीता जा सकदा। देखो सिख कौम दे विच, सिख धर्म दे विच, सिख पंथ दे विच इह जरूरी नहीं कि जदों साबित होएगा ते फिर उस दे उत्ते कारवाई होएगी। जे उसका नाम भी कितें आउंदा है ते उहदे उत्ते कारवाई बनदी आ, क्योंकि माफी चाहुंदा जी तुहाडे इक नहीं देखो कोई जड़ी बोलदे आ कोई अक्खर बाद काट होना उन्होंने बाणी की गल सी, भगत सिंह नहीं, वो कितने स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, पर कोई इंटेंशन कोई यह जी नहीं कि कोई गलत बोलना है, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने पश्चाताप भी उस गल का किया है कि भी जे मैं कोई गलत वे बोलिया गया। उन्होंने कहने का मकसद से भगतों की बाणी, लेकिन वह भगत सिंह कह गया वो देखो मैं पहला गल कही है कि सिख पंथ दे विच जदों किसी नशे की इनवॉल्वमेंट किसी की आती है उस नूं तुरंत उहदे उत्ते एक्शन होना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन सरकारां ने कदों, सरकारां दी इन्वेस्टिगेशन होएगी कदों, कार्रवाई होएगी? जे 10 साल केस चलेगा तो 10 साल बाद कार्रवाई नहीं होएगी, इहदे उत्ते तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने पिछले दिन कोई विवादित बयान दिता सीगा जी, गुरुद्वारा साहब तो गोलकां चुक देणियां चाहीदियां ने ते संगत सिर्फ श्रद्धा नाल ही मत्था टेके, ते कई तां श्रोमणी कमेटी दे सदस्य सी गल कि अद्धे मैंबर अस्तीफा दे जाणगे, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲਕਾਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲਕਾਣੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਔਰ ਗੋਲਕਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦਿਓ ਜੀ ਹੋਮਾ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਦਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੱਲ ਪਈ ਆ, ਰੁਕੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ
जानकारी मिली जी आप चार साहिबजादे फिल्म की गल करिए पूरे संसार भर के फिल्म कई कई बार बच्चों वालों वेख्या गया साहिबजादे की जीवनी के बारे जानकारी मिली लोगों जे असी सारा कुछ अपना बंद करके रख लांगे तो फिर अपना अपने धर्म की अपने इतिहास की जानकारी लोगों नूं किस तरह दूर दूर तक पहुँचावांगे असी समझते हैं कि जानकारी जिहड़ी आ दूर दूर तक पहुँचनी चाहिए आ बाकी जो अकाल तख्त साहब तो हुक्म होवे हुक्म जिहड़ा उह सिरमत है।